सो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट ये बोलता है कि हम फ्यूचर में जिस पेज का रिक्वायरमेंट नहीं होगा उसको हटाएंगे रिप्लेस करते समय। ठीक, तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ पेजेस रखे हैं मेमोरी में, अब अगर कोई नया आएगा तो पुराने में से उसको हटाऊंगी जिसका फ्यूचर में ज़रूरत नहीं रहेगा। ठीक है, सो प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो ये उतना फीसेबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि फ्यूचर से पहले कैसे प्रेडिक्ट कर दो। ठीक है, तो अगर मुझे पहले से पता है तब ठीक है, अगर मुझे पहले से नहीं पता तब ये वाला मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो एनी हाउ इस वाले मेथड से हम ये मानते हैं कि पेज फॉल्ट सबसे कम होते हैं इसमें। ठीक है, और जनरली ये परफॉर्मेंस चेक करता है दूसरे एल्गोरिदम के लिए। ठीक है, दूसरे एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस हम इसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं क्योंकि हम इसमें मानते हैं कि इसमें सबसे कम पेज फॉल्ट होता है। ठीक है, बट अगेन इसका प्रॉब्लम यह है कि मुझे पहले से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि मेरे फ्यूचर में कौन कौन से पेज यूज़ होने वाला है, तो उससे मैं जान पाऊँगी कौन सा नहीं यूज़ होने वाला है। ठीक है, फिर से देखो मेरे पास क्वेश्चन है, 3 फ्रेम है और ये सीक्वेंस है, इसमें टोटल मेरे पास 10 पेज है। इसका रिक्वायरमेंट सीपीयू को इस तरीके से, पहले उसको पेज 4 फिर पेज 7 ऐसे करके रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, सो इनिशियली 3 फ्रेम है तो सबसे पहले आपका 4 आ गया। ठीक है, फिर 4 के बाद 7 आ गया, देन उसके बाद 6 आ गया। तो ये तीनों केस में मुझे लाना पड़ा सेकेंडरी से, मैंने यहाँ पे जगह पे लोड किया, तो मेरा पेज फॉल्ट यहाँ पे ये मेरा मिस मिस और मिस। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मुझे 1 चाहिए। ठीक है, तो अब 1 को कहाँ पे रखूँ, तो सबसे पहले मेरे पास देखो मैं 4, 7 और 6 में मेरे पास कौन आगे नहीं, तो देखो यहाँ ध्यान से 4 आगे है ही नहीं, तो इसलिए मैं तुरंत 4 के जगह पर किसको रख दूँगी, 1 को रख दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखो 1, फिर 1, 7, 6 में मुझे 7 चाहिए चाहिए था, तो 7 ऑलरेडी है तो ये क्या हो गया, हिट। उसके बाद 6 चाहिए था तो ये ऑलरेडी है तो हिट। उसके बाद 1 चाहिए तो ऑलरेडी है तो हिट। उसके बाद अब 2 है, तो अब मैं 1, 7 और 6 में देखूँगी 1, तो देखो आगे 1 की तो ज़रूरत है ही नहीं, 7 की ज़रूरत है, 6 की भी नहीं, लेकिन 1 पहले आ गया तो इसलिए अब मैंने इसके जगह पर किसको रख दिया, 2 को रख दिया, 2, 7, 6। तो फिर उसके बाद 7 ऑलरेडी है हिट, 2 ऑलरेडी है हिट, तो फाइनल हिट कितना हो गया, 50। तो मेरा हिट रेशियो क्या हो जाएगा, हिट बाय टोटल, टोटल कितना था 10, तो मेरा कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम LRU। ठीक है, तो LRU बोलता है जो सबसे कम, जो रिसेंटली नहीं यूज़ हुआ होगा उसको हम हटाएंगे। ठीक है, जो रिसेंटली यूज़ नहीं हुआ होगा, ठीक है, ध्यान से आप देखना इसमें। ठीक है, तो रिप्लेसेस दी पेज विच इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज़, तो रिसेंटली जो नहीं यूज़ हुआ है उसी को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यानी कि जो सीपीयू जिस जो पेज सीपीयू ने बहुत देर तक यूज़ नहीं किया है। ठीक है ना, फिर सेम क्वेश्चन, 3 फ्रेम है, उसके बाद मेरा ये सीक्वेंस ऑफ पेजेस है। अब देखिए सबसे पहले 4 को रखी, फिर 7 को रखी, फिर 6 को रख दी, तो यहाँ तक तो मेरा तीनों क्या हो गया, मिस हो गया, क्योंकि मैंने सेकेंडरी से अभी यहाँ पे ला के रखी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे ही मुझे 1 रखना है, तो अब देखो सबसे रिसेंटली कौन यूज़ हुआ है, ये, तो इसको तो नहीं, फिर उसके रिसेंट कौन यूज़ हुआ है, 7, और फिर सबसे लास्ट में कौन यूज़ हुआ है, 4, इसीलिए अब मैं 4 के जगह पे क्या रखूँगी, 1 को रख दूँगी। ठीक है, और 1 को सर्कल कर दूँगी कि 1 अभी यूज़ हुआ है, तो 1 अभी यूज़ हुआ है, उसके बाद 6, उसके बाद कौन हुआ है, 7, तो अब इन तीनों में सबसे पुराना कौन सा है आपका, 7। नेक्स्ट, अब आती हूँ मैं यहाँ पे 7, देखो अभी मैंने 7 को यूज़ किया, तो अब मैं 7 को क्या कर दूँगी, सर्कल, हर स्टेप में जिसको यूज़ करूँगी उसको सर्कल करूँगी। ठीक है, फिर मैंने 6 को यूज़ किया, तो 6 को सर्कल कर दिया। अब मैं यहाँ पे आती हूँ 1, 7, फिर से अब देखो मैंने 1 को यूज़ किया, तो 1, 7, 6 को सर्कल। अब यहाँ पे आता है 2, अब 2 को हटाना है, तो 2 को हटाना है, देखना पड़ेगा सबसे पहले किसको, तो सब देखो ये 1 को तो अभी यूज़ की, उसके बाद किसको यूज़ की, 6, और सबसे लास्ट में किसको यूज़ की, 7, तो इसलिए अब यहाँ 7 की जगह क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ 2 को सर्कल कर दूँगे। नेक्स्ट, अब मुझे 7 चाहिए, अब 7 चाहिए, तो देखो 1 अभी यूज़ हुआ है, 2, और उसके पहले कौन यूज़ हुआ है, 6, तो अब 6 की जगह क्या आ जाएगा, 7, और लास्ट में 1, 2, 7 ऑलरेडी है 2, तो हिट कर दूँगी और इसको सर्कल भी कर दूँगी। ठीक है, सो फाइनली टोटल हिट्स कितने हैं, 4, और मिस कितने हैं, 6, हिट रेशियो कितना है आपका, 40%। सो दिस इज़ अबाउट दी LRU। ठीक है, सो विल बी स्टॉपिंग हियर।